नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। सागर शहर के विभिन्न एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनके पास से लगभग 3 दर्जन एटीएम कार्ड, 1 पिस्टल, 4 मोबाइल और कुछ नकदी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक इन 4 बदमाशों ने कई एटीएम मशीन से पेचकस की मदद से पैसे निकाला। पैसे निकलते ही जगह डायरेक्ट मशीन के पैसे निकाल जाते थे और ये बैंकों को लंबी चपत लगाते थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम कुशवाहा की माने तो अभी तक इन बदमाशों ने कई बैंकों की एटीएम मशीनों के सेंसर के माध्यम से ये पैसे निकालते थे। अभी इन सभी चोरों के से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही बताया जा सकेगा कि कितनी राशि अब तक इन्होंने निकाली है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। सागर पुलिस को एक एटीएम से ठगी करने का एक गिरोह जो है पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें अभी जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके विरुद्ध 401 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनसे पूछताछ में पाया गया है कि लगभग ये 35 से 40 एटीएम कार्ड का उपयोग करते थे और एटीएम मशीन में जा कर के फिर वहाँ सेंसर से कुछ ट्रिक करके वो पैसे निकाल लेते थे। वो खाते से उनके पैसे कटते नहीं थे और वो पैसे उनको मिल जाया करते थे, फिर उसको डबल से वो खातों में शिफ्ट करके और फिर यही प्रक्रिया दोहरा दोहरा के और ठगी करके पैसे निकाला करते थे। इनसे पूछताछ करके अब इनके जो खाते हैं, जिन खातों का इन्होंने उपयोग किया है, उसकी जानकारी ली जा रही है। उसके बाद उसमें जो आगामी दिसंबर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लगभग सर अभी तक कितने रुपयों की ठगी कर चुके हैं और किन किन शहरों में? अभी हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे पूछताछ भी हुई है, साथ में जिन खातों का जो उपयोग कर रहे हैं, जिन मोबाइल नंबरों का उपयोग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं, इसका भी हम पतासाजी का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना कि कितना इनने ठगी काम किया है, लेकिन विवेचना के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि इतने कितना बड़ा ये थोड़ा हो गया।